ওই পাচারকারীদের দলে ছদ্মবেশে ভারতীয় সীমান্তে ঢুকে পড়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের এক জওয়ান। ততক্ষণে বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে গুলি বিনিময় চলতে থাকে। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस। यहाँ पे जी भारत किस तरह एक तरफ बीजेपी का जो एहलकार है, जो सोल्जर है, उसको शहीद कर दिया, बेदर्दी के साथ उसको शहीद किया गया, और उसके बाद जो है इंडियन मीडिया किस तरह उल्टा बांग्लादेश को ब्लेम कर रहा है, किस तरह स्टोरी को घुमा के प्रोपोगंडा स्टोरी बना के सारे इंडियंस को दिखा रहा है, पूरे इंडिया में दिखा रहा है कि किस तरह बांग्लादेश के जो स्मगलर्स हैं हमने उन पे अटैक किया है और वो जहाँ भग हो गया है। और यहाँ जी खुशी का जो इजहार है इंडिया के लोगों की जानिब से किया जा रहा है, इंतहाई अफसोस के साथ। आप इन वीडियोज़ के कॉमेंट सेक्शन में जाके देखें तो आप लोगों को इन लोगों की मेंटालिटी का पता चले। अब यहाँ पे किसी को ये नहीं पता कि जो इंडियन मीडिया है इस तरह प्रोपोगेट कर रहा है, स्टोरी को उलझा के बयान कर रहा है, जबकि रियल स्टोरी तो बिल्कुल डिफरेंट है कि जिसमें जो बीजेपी का सोल्जर है उसने जी जब इन स्मगलर्स को देखा, इनको जाके पकड़ लिया, लेकिन जब BSF ने देखा कि यार इसने तो हमारे स्मगलर पकड़ लिए हैं तो हमारी तो पोल खुल गई है, तो उन्होंने बीजेपी का जो सोल्जर है उस पर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि यार कोई गलती से आपकी हदूद में एंटर हो गया तो आप उस पर गोलियां चला दें? ऐसा तो बहुत बहुत ज़्यादा लाइक नॉन प्रोफेशनल लोग ऐसे करते हैं, नॉन प्रोफेशनल आर्मी जो है वो करती है। स्पेशली एक कंट्री जो ख़ुद को आपका दोस्त भी कहे, लेकिन इसके बावजूद आपका कोई बंदा उनकी हदूद में एंटर होता है और इस तरह का एक्शन लिया जाता है, तो उस पर क्या कह सकते हैं यार? ऐसी कंट्री को ये दोस्त कंट्री नहीं है, बल्कि ये दुश्मन कंट्री हुई उस हिसाब से, ठीक है। अब ये जो BJP का सोल्जर था उस पर गोलियाँ चलाई गई और फिर उसको उठा के इन्होंने अपने पास रख लिया। कई घंटे तक किसी ने कोई नाम नहीं लिया कि हमने कुछ किया है, लेकिन जब BJP की जानिब से एक पिक्चर उनको दी गई कि यहाँ पे जी ये एक बंदा है जो नहीं नज़र आ रहा, नहीं मिल रहा, जिसके बाद उन्होंने बताया कि हाँ जी वो तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, तो यहाँ इंडिया की जानिब से, इंडियन मीडिया की जानिब से अब स्टोरी को इस तरह प्रोपोगेट किया जा रहा है कि जो सोल्जर था BJP का सोल्जर था वो सोल्जर नहीं था, उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे एक तो, और साथ वो स्मगलिंग करवा रहा था, जो कैटल्स हैं उनको बांग्लादेश से इंडिया भेज रहा था। तो ये चीज़ जो है यार सारों से भरे डाउट की बात है। लाइक इससे पहले मैंने जो सवाल उठाया तो उस सवाल का जवाब आप लोग भी मुझे लाजमी दीजिएगा कि इंडिया में तो गाय की कोई कमी नहीं है, कैटल्स की कोई कमी नहीं है, तो फिर कोई स्मगलर अपनी जो कैटल्स हैं वो बांग्लादेश में क्यों स्मगल करेगा? क्योंकि यहाँ पे स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। जो कैटल्स थी वो इंडिया से बांग्लादेश में एंटर हो रही थी, तो इन्होंने स्टोरी बना ली है कि जो कैटल्स थी वो बांग्लादेश से इंडिया में एंटर हो रही थी, जबकि स्टोरी डिफरेंट है। इंडिया से कैटल्स स्मगल होती हैं बांग्लादेश में। तो यहाँ जी इंडियन मीडिया जो है चीख चीख के दुनिया को बता रहा है कि देखें जी हमने क्या बड़ा कारनामा कर दिया है और लोग क्या कह रहे हैं इस पे। इंतहाई अफसोस के साथ पहले आप लोगों से ये रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है। वीडियो आखिर तक देखें, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो चलते हैं जी, देखते हैं वीडियो। এত কিছুর পরেও সীমান্তের তারকাটা পেরিয়ে চলছে গরু পাচার। তবে এবার শুধু পাচার নয়, গরু পাচারে বাধা পেয়ে BSF জওয়ানদের ওপর হামলার চেষ্টা। পাল্টা BSF এর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক পাচারকারীর। উত্তর চব্বিশ পরগনার ভারত বাংলাদেশের বাঁশঘাটা সীমান্তের ঘটনা। সূত্রের খবর, সোমবার ভোর রাতে বাঁশঘাটা সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের চেষ্টা করছিল একদল পাচারকারী। সেই সময় পাহাড়ের মতো BSF জওয়ানরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে উল্টে BSF জওয়ানদের ওপর হামলা চালায় পাচারকারীরা। এরই মধ্যে হামলাকারী ওই পাচারকারীদের দলে ছদ্মবেশে ভারতীয় সীমান্তে ঢুকে পড়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের এক জওয়ান।
ততক্ষণে বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে গুলি বিনিময় চলতে থাকে পাচারকারীদের। মুহূর্তে উত্তপ্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। এরপরই ঘটনাচক্রে বিএসএফের ছোড়া গুলিতে মৃত্যু হয় এক পাচারকারীর। তাকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা আনা হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। বিএসএফের পক্ষ থেকে বনগাঁ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নামে বনগাঁ থানার পুলিশ। নিহত ব্যক্তি বাংলাদেশী সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ান দাবি করা হয় বাংলাদেশের তরফে। দুদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্তাদের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং করা হয়। তারপরেই মৃত ব্যক্তির পরিচয় সামনে আসে। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর এদিন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের হাতে মৃত জওয়ানের দেহ তুলে দেওয়া হয় বিএসএফের পক্ষ থেকে। বুধবার সকালে বিএসএফ জওয়ানদের কাঁধে করে সীমান্তে নিয়ে আসা হয় বাংলাদেশি জওয়ানের কফিন বন্দী দেহ। বনগাঁর সুটিয়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে দেহটি তুলে দেওয়া হয়। মৃতের নাম মোহাম্মদ রৌসুদ্দিন, বাংলাদেশের শিবগঞ্জ উপজেলায় বাসিন্দা। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের বেনাপোলের জেলেপাড়া পোস্টে কর্মরত ছিল সে। গরু পাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশি জওয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের অভিযোগ নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছেন সীমান্ত পাড়ের কৃষক সহ গ্রামের বাসিন্দারা। পাচারকারীরা সীমান্তের কাঁটাতারহীন এলাকা দিয়ে ভারতীয় জওয়ানদের চোখ এড়িয়ে বিভিন্ন কৌশলে গরু পাচারের চেষ্টা চালিয়ে যায়। ঘটনার পর গরু পাচার বন্ধে আরো বেশি তৎপর হবে প্রশাসন বলে মনে করছেন সীমান্ত পাড়ের বাসিন্দারা। इस बंदे को हमने स्मगलर समझ के मारा, वो बीजेपी का सोल्जर है, हमें तो पता ही नहीं था। और फिर जी बाद में हम लोगों को पता चला जब बांग्लादेश ने जो है उसकी पिक्चर दी, और बाद में इन लोगों को पता चला कि अच्छा वो तो बीजेपी का बंदा था, और हमने तो उसको स्मगलर समझ के ही अटैक किया था और वो स्मगलिंग करवा रहा था। और इस तरह इंडियन मीडिया की जानिब से बांग्लादेश की अफवाज को बदनाम किया जा रहा है। बांग्लादेश की अफवाज जो है, बांग्लादेश की जो बीजेपी फोर्स है, उस पर कीचड़ उछाला जा रहा है कि बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, जबकि यहाँ पे चीज़ बिल्कुल उल्ट है। यहाँ पे बांग्लादेश के बीजेपी के अहलकार स्मगलिंग नहीं करते, बल्कि ये चीज़ होती है बीएसएफ की जानिब से। इससे पहले पीछे मैं आप लोगों के साथ रिपोर्ट शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह बीएसएफ के लोग एक एक कैटल पे पैसा जो है चार्ज करते हैं, लाइक 100-200 रुपया हर एक कैटल पे चार्ज किया जाता है। वो इसलिए कि इन लोगों की तनख्वाहें जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और इन लोगों को बहुत कम तनख्वाह में गुजारा करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और स्मगलिंग वगैरह भी करवाते हैं। अब यहाँ पे इनकी पोल खुल चुकी थी और इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, तो इन्होंने जो बांग्लादेश का सोल्जर है उस पर गोलियाँ चला के उसको वहीं पे शहीद कर दिया, और बाद में उसको उठा के ले गए। और काफ़ी कई घंटों तक, ठीक है 18-20 घंटे तक कुछ पता नहीं चला, कोई बात नहीं की किसी ने। लेकिन जैसे ही फिर बांग्लादेश ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, और फिर जब इनसे पूछा गया तो फिर उन्होंने कहा जी हाँ जी आपका एक बंदा है वो हॉस्पिटल में है। और फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि पहले तो वो ठीक था लेकिन अब जो है वो दुनिया से जा चुका है, वो शहीद हो चुका है। तो ये चीज़ जो है ना इंडिया की जानिब से की जा रही है, और इंडियन मीडिया इसे बाकायदा सपोर्ट कर रहा है, और फुली जो स्टोरी है उसको प्रोपेगेंडा बना के शेयर कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि ये देखें जी कमाल कर दिया बीएसएफ ने, बीएसएफ ने स्मगलर पकड़ लिया है, बीएसएफ ने क्या, ठीक है बहुत शाबाशी जो है एक तरह से लेने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, अब इस पे बात करें तो बातें बहुत सारी लंबी हो जाती हैं और वीडियो लंबी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या एनालिसिस है इस पे, मीडिया की जानिब से जो कुछ कहा जा रहा है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट में लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।